दोस्तों आज के टाइम पे गेमिंग सबको पसंद है, लेकिन गेमिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन। और हाँ, अगर आपका बजट 20,000 है तो 20,000 के बजट में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 20,000 के बजट में बहुत सारे फोन आते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो खासकर गेमिंग के लिए बने हुए हैं। और हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब कोई आप एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदते हैं, फिर चाहे वो किसी भी प्राइस रेंज में हो, उनके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम 20,000 के प्राइस रेंज की बात करें तो 20,000 के अंदर आपको 6GB रैम होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा रैम होगा उतना तेज आपका मोबाइल होगा। और हाँ, साथ ही साथ 128GB का स्टोरेज भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गेम जानते ही आप लोग काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए स्टोरेज आपका काफी ज्यादा होना जरूरी है। और जो रैम है वो LPDDR4X का सपोर्ट होना चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ आपको UFS 2.1 कम से कम होना ही चाहिए, या फिर उससे अबव हो तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और हाँ, डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करना चाहिए, मिनिमम 120Hz का आपका रिफ्रेश रेट स्क्रीन का होना चाहिए। और हाँ, बैटरी भी काफी ज्यादा जरूरी है, एक अच्छी बैटरी आपकी गेमिंग स्मार्टफोन में होना जरूरी है। और हाँ, इसके साथ ही साथ आपका जो चार्जर है वो फास्ट चार्जर होना चाहिए। तो ये सब की पॉइंट है जो कि आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदते वक्त देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला गेमिंग स्मार्टफोन है वो है IQ का G3 5G। यहाँ पर आपको 20,000 के प्राइस रेंज में 6GB रैम, 128GB रैम का स्टोरेज देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर इसका चिपसेट वो है स्नैपड्रैगन 768 का 5G प्रोसेसर होने वाला है। और इसका जो प्रोसेसर है उसका परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, मतलब काफी अच्छा काम करता है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको 120Hz का IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, मतलब हायर रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट करता है। और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर जो रैम है वो LPDDR4X का सपोर्ट करता है। और हाँ, यहाँ पर आपको UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें बैटरी की तो 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 55W का फ्लैश चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है, तो चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा तेज है। हाँ, मानता हूँ थोड़ी सी जो बैटरी है वो कम है, लेकिन हाँ, इसका जो चार्जर है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो बहुत जल्दी आपका फोन जो है वो चार्ज हो जाएगा। पर हाँ, यहाँ पर ये जो फोन है ये थोड़ा सा पुराना है, पर हाँ, जिस बजट में ये आता है और जो जो यहाँ पर फीचर दिए गए हैं उस प्राइस रेंज में देखा जाए तो ये बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन कह सकते हैं आप। और हाँ, IQ जो है वो अपने गेमिंग लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी देता है, जिससे आप अपने गेमिंग लेवल को बढ़ा सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लगा, तो इस फोन को भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो दूसरा फोन है वो है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स 0 5G। यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करें तो 18,000 के प्राइस में 8GB 128GB का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और काफी सारे कूल फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो उतना नहीं है, बाकी सारे फोन से देखा जाए तो IQ हो गया, पोको हो गया, तो थोड़ा जो इसका ब्रांड वैल्यू है वो मार्केट में बहुत कम बना हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो फीचर्स मिलते हैं, जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। अगर हम बात करें चिपसेट की तो MediaTek का Dimensity 900 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। आपने इसका परफॉर्मेंस देखा होगा काफी सारे वीडियोस में, तो गेमिंग के वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर हाँ, दिक्कत यहाँ पर यह है कि इसका जो चिपसेट है वो MediaTek का है, तो आप देख सकते हैं MediaTek का और Snapdragon। हालांकि मेरे को Snapdragon ज्यादा पसंद है MediaTek के अलावा। और हाँ, इसके साथ ही साथ आपको 6.78 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पर 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्फिनिक्स है वो अपने UFS को काफी ज्यादा ग्रो किया है, UFS 3.1 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रैम है वो LPDDR5X को सपोर्ट करता है, तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी यहाँ पर बात करें बैटरी की तो 5000mAh की बैटरी आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका जो प्राइस है वो कम है, कम प्राइस में आप बढ़िया फोन खरीदना चाहते हैं, बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, अच्छी तरीके से गेमिंग करना चाहते हैं, तो आप इस फोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो तीसरा फोन होने वाला है ये भी एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन बन सकता है, जो कि है Realme 9 SE। यहाँ पर आपको 20,000 के प्राइस रेंज में 6GB रैम, 128GB का रोम देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों हम बात करें चिपसेट की तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। जहां पर ये पहला फोन है जो कि 20,000 के अंदर आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर बाकी सारे फोन्स की बात करें तो फ्लैगशिप के अंदर आपको यहाँ पर ये प्रोसेसर देखने को मिलता है।
तो इसकी अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो टॉप नॉच है, मतलब काफी ज्यादा कमाल का आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा अगर आप गेमिंग करते हैं तो। और हाँ, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिससे आपका जो गेमिंग है वो और भी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। बाकी हम बात करें बैटरी की तो 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4X का भी रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर दोस्तों आप Realme फोन के अंदर गेमिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट फोन होने वाला है जहां पर आप गेमिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से देखा जाए तो 20000 के अंदर ये प्रोसेसर और ये सब फीचर्स काफी सारे कमाल के हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारा जो चौथा फोन है वो है OnePlus Nord का CE2 Lite। तो यहाँ पर 20000 के अंदर आपको 6GB रैम 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, जहाँ पर अगर हम चिपसेट की बात करें तो Snapdragon 695 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं, मतलब गेमिंग में सही है, उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। पर हाँ, 20000 के प्राइस रेंज में देखा जाए और हाँ, इस फोन के अंदर आपको काफी सारी ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं जहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हैं, प्रोसेसर अच्छा है जिस प्राइस रेंज में ये आता है, जहां पर आपको 6.59 इंच का एक काफी ज्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है और हाँ, यहाँ पर आपको LPDDR4X का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और हाँ, हाईर रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का एक हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और हाँ, बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, UFS 2.2 का भी सपोर्ट है आपको इस फोन के अंदर। तो हाँ, अगर आप एक OnePlus का फोन खरीदना चाहते हैं जिसमें आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट फोन हो सकता है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो आखिरी फोन है वो एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये है पोको का X3 Pro, जहां पर हम बात करें तो 20000 के अंदर 6GB रैम 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। बात करें चिपसेट की तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 860 का चिपसेट देखने को मिलता है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप नॉच है परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप खासकर इसमें गेमिंग करते हैं तो। जहां पर दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच का एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी गेमिंग लेवल और भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। LPDDR4X का सपोर्ट और हाँ, साथ ही साथ UFS 3.1 आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो प्राइस है वो पहले कम था और अभी खासकर इसका जो प्राइस है वो बढ़ाया गया है। और हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो फोन है वो थोड़ा सा पुराना है, पर हाँ, गेमिंग के लिए बेस्ट फोन होने वाला है, मतलब जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा कमाल का है, आप इसमें अगर आप खुद गेमिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आप ऑफर वगैरह लगाते हैं तो ये जो फोन है वो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, तो आप ट्राई कीजिएगा, कुछ ऑफर्स वगैरह लगा के इसको बाय कीजिएगा। तो ये सब जो फोन मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको बाय करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।